हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी वाली पंजीरी। पंजीरी के लिए हम इसमें अलसी का ही तेल जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताते देती हूँ कि क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। आटा है, भुने हुए चने हैं, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, अलसी ली है, तिल लिए हैं और ये मखाने लिए हैं। मीठे के लिए हम इसमें शक्कर को यूज़ करेंगे। फिर इसमें जाएंगे अजवाइन, सौंफ का पाउडर, गोंद पाउडर और इसमें जाएगा ये सौंठ का पाउडर। तो इन सभी को हम अभी मिक्स करेंगे इनके अंदर। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी पंजीरी को। तो आइए रेडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये जो अलसी है, अलसी को रोस्ट करूँगी इसमें डाल के। अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम रोस्ट करेंगे इन मखानों को। अब हम इन बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। बादाम और अखरोट को हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इनको रोस्ट करेंगे हम। देखिए हमारे बादाम और अखरोट जो हैं वो भी रोस्ट हो चुके हैं और हमने मखानों का भी ये चूरा बना लिया है, इनको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। तो अब हम इन ये जो चने हैं, चनों को भी हम ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि ये पहले से ही रोस्टेड हैं, तो इनको हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। ये अलसी है, अलसी को भी हम ग्राइंड कर लेंगे अभी। ये हमने तेल लिया है अलसी का, ये 1 किलो के करीब ये आटा को। देखिए आटा हमारा ऐसे ये सारा रोस्ट हो चुका है अभी, तो इसको बीच बीच में ऐसे हमने चलाते जाना है कि ऐसे ये मिक्स होता जाए इसमें। ये 1 किलो के करीब आटा है जिसमें मैंने आधा किलो के करीब जो है अलसी का तेल डाल दिया है। वैसे इसको हिलाते जाएंगे, आप मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। इधर ही तिल जो है हमने वो सारे रोस्ट कर लिए, अब इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये आटा रोस्ट हो रहा है तो ऐसे ही हम इसके साथ ही है सौंफ का पाउडर जो है, सौंफ का पाउडर है ये डाल देंगे हम। ये सौंफ डाल दिया हमने इसी में और साथ में अब हम डालेंगे अजवाइन का पाउडर, ये भी 2 चम्मच के करीब है। सौंफ जो थी हमारी वो 3-4 चम्मच के करीब थी, 4-5 चम्मच के करीब है वो सौंफ, और 2 चम्मच के करीब हमने अजवाइन डाली है। इसको मिक्स करते जाएंगे क्योंकि ये डालेंगे गरम गरम आटे में ही, जैसे ये आटा हमारा अभी गरम हो, गरम ही है, तो इसमें डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे हम साथ के साथ। 1-1.5 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ पाउडर भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये गोंद का पाउडर जो है, ये 3 चम्मच के करीब है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और ये सारे मसाले जो हैं हमारे इसके मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसमें ये सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये हमारे मखाने हैं, चने हैं, बादाम, अखरोट और तिल, उन सबका पाउडर बना लिया है और अब हम इसमें मिक्स करेंगे। और इसको धीरे धीरे हम हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसमें डाल दिया हमने किशमिश और अब हम डालने में इसमें शक्कर को। लीजिए हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। हमने इसमें मिलाई है शक्कर और ये हमारी पंजीरी जो है खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।